सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जीओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां दे दो तीन शब्दां दी पंक्तियां नूं आधार बना के शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौराना इस संबंध च कुछ विचारां आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। इनिया पंक्तियां जित दर वसें कवन दर कही है प्रभु जिथे तो रहना है वो दर कित्थे उस दर नूं की कहिंदे ने वो दर कित्थे जित दर वसें कवन दर कही है दरां भी तर दर कवन लहे ये दरवाजियां दे अंदर गुप्त दरवाजा जो प्रभु दा है उत्थे तक कौन पहुंचता है किसकी पहुंच है जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे उदास हो के जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई मैनू दसे वो दर किथे है राम कली मल्ला पहला फिर दूजियां पंक्तियां सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम जीवां दी संभाल करदा है वो घर कहा है किथे है वो दर कैसा है किथे है ये शब्द जपजी साहब दे च आया है रहराज साहब दे चाया है फिर आसा राग दे चाया है थोड़े जिहा लगा मात्रा दे भेद नाल सोदर दा शब्द बार बार आया है। फिर महाराज इस तरह कहने दर घर की सोजी ना है आम मनुखा नू ना दर दा पता ना घर दा ये थोड़ा जिहा सतगुर का जो पावन पवित्र वाक है सतगुर समर्था देन मैनू मैं थोड़े सामने इस समय खोल सका। दर ते घर की व्याख्या दर घर तो अलग नहीं आता दर घर के नाल ही लग जाता ते घर जाना होवे ते पहले दर ते पहुंचना पैंदा पहले ते दर ते जावां फिर दर खुलेगा फिर घर दे प्रवेश करांगे। सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है किथे है
जिथे बैठ के ओ प्रभु तमाम जीवां दी संभाल करदा है, खंड ब्रह्मंडा दी संभाल करदा है, दृश अदृश दी संभाल करदा है, काल निराकार दी संभाल करदा है। हुण इस नूं मैं एक होर शब्द दे नाल तुहाडे सामने खोलण दा यतन करां। अरबद नरबद धुंधुकारा धरण न गगना हुकम अबारा, ना दिन रै चंद न सूरज सुन्ने सुन रहाएदा। बहुत लंबे समय तक अजे युगां दी बणतर नहीं बनी सी, ये मनुखां दी होंद आलमे वजूद विच नहीं सी, ये दृश्यमान जगत नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी, तो फिर की सी धुंद सी। आपकी ज्ञात लई मैं अर्ज करा, शिकागो विच मैं शब्द की विचार की, कि दो तीन साइंटिस्ट भी बैठे हुए सन, रोज आते सन। एक दिन कह लगे, गैने जी तुसी साढ़े नाल दो चार घंटे का समा कट सकते हो, थानू साइंस म्यूजियम लै जाना। मैं कहा तुसी कहिंदे हो कि चलो चले चलते हैं, उन मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं कहा दो टाइम हाजिरी भरने, मैं थक जाना, मैं फिर अपना आनंद च रहिंदा दिन नूं। कहिण लगे नहीं, जिहड़ी तुसी कथा करदे हो ना, इस कथा दा रूप तुहानूं दिखाउणा है साइंस म्यूजियम विच। हुण तुहाडे सामने मैं अर्ज करां, जो गुरबाणी जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 500 साल पहले आख्या है, अज की साइंस हुण उसकी तस्दीक कर रही है, मनन लग पई है। वही कुछ उत्थे दिखाया गया साइंस म्यूजियम विच। अरबद नरबद धुंधुकारा, नरां तो पहले, युगां तो पहले, आकार तो पहले की से धुंधी धुंध, धुंधी धुंध, धुंध करके अनेरा ही अनेरा, अनेरा ही अनेरा। धरण न गगना हुकम अबारा, ये जमीन नहीं सी, धरती नहीं सी, पर ये आसमान जो दिखाई देता है ये भी नहीं सी। धरण न गगना हुकम अबारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन्ने सुन रहा है दा। सूरज भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, इस वास्ते दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी। हुणे मैं कह रहा अंधेरा अंधेरा धुंध दा, रात दा अंधेरा कुछ होर होंदा। रात दे अंधेरे विच लाइट जला दई है तो अंधेरे च दिखाई देंदा है, पर तुसी लाइट कितनी जला लो धुंध दे च कख भी नहीं दिखाई देंदा। ये भी मैं अर्ज करता धुंध। महाराज कहते धुंध ही धुंध सी, ना दिन सी, ना रात सी, ना सूरज सी, ना चंद्रमा सी, ना जमीन सी, ना आसमान सी, ना तारे सन, ना स्यारे सन, कुछ भी नहीं सी, धुंध ही धुंध सी। फिर एक दिन दिन मैं मजबूरी कहिंदा पिया दिन नहीं सी, पर हुण किस तरह आखीए। एक अजीबो गरीब घटना घटी, उन्हों कहण वास्ते कहांगा एक दिन, जे मैं कहां एक समा तो समा भी नहीं सी। समय नूं किस तरह नापोगे, दिन करके रात करके समा तो आई नहीं सी, ना समा सी, ना दिन सी, ना रात सी, ना सूरज सी, ना चंद्रमा से, ना जमीन से, ना आसमान से, ना तारे सन, ना स्यारे सन, केवल धुंध ही धुंध से। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुकम अबारा, ना दिन रैन चंद न सूरज सुन्ने सुन रहा है, सनाटा सी, सुन सी, कुछ भी नहीं सी। इसे ही सुन दे एक दिन धमाका होया,
कवाव होया है, आवाज होई कीता पसाओ एको कवाओ, कवाओ एक आवाज, आवाज भी ऐसी फैली हुई जिवें घड़ियाल की आवाज आती है ना, घड़ियाल नो बजाओ तो वो आवाज एकदम फैलती है, फिर जब बंद होती है तो आहिस्ता आहिस्ता सिमटती है, एकदम घड़ियाल की आवाज बंद भी नहीं होती, उन्हें कहते हैं धुनाकार आवाज। एक धुनाकार कवाओ होया, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखां दरिया पैदा हो गए, ते जीवन दा दरिया की सूरज, उस एक कवाओ तो अरबां खरबां सूरज पैदा हो गए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हो गए। जैसे कि अज साइंस सहमत है कि जमीन सूरज दा टुकड़ा है, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਕੋਟ ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूर चंद्रमा तारे स्यारे एक ने, कई कोट कई करोड़ा। अकाल पुरख की देह में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अकाल पुरख की देह में कोटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव सस कोट जलेस, उस प्रभु दी देही देश अरबा खरबा सूरज ने चंद्रमा में, उदे पसारे विच एक सूरज नहीं बेशुमार। उस एक कवाओ तो, उस एक शब्द तो अरबा खरबा सूरज प्रकट हो गए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हुए, उही ग्रह बने। जैसे जमीन नु ग्रह मनते ने, घर मनते ने सूरज का घर, जमीन दे ते जो जिंदगी चलती है सूरज करके, जिंदगी का दरिया की है सूरज, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते वेश, अनेक वेश जो प्रकृति धारण कर दी है सूरज करके, तिस्ते होए लख दरिया, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਆਵਣਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ आवाज तो होया, शब्द तो होया, फिर महाराज कहते हैं वापसी भी शब्द तो हो। बड़े ध्यान नाल सुनना, देखो जिस दरवाजे तो हुण तुसी अंदर आए हो ते वापस जाओगे इत्थों ही जाओगे ना, जिस द्वार तो ब्रह्मंड का आवना होया, जीव जंतुआं का आवना होया, वापसी भी उत्थों ही होगी। इस वास्ते एक बेनती भी है, जित द्वारे उबरे तिथे लियो उबा, ए प्रभु जिस दरवाजे तो साडा आवना होया साडी वापसी करा उस दरवाजे तो। पूछा किसी दे अंदर किधरे तड़प पैदा हो जाए उही फिर सही मैंने दा जग्यासू है साधु है। हुण प्रश्न पैदा हुंदा है वो कवाओ की सी, पूरे ध्यान नाल सुने कि भावें दोपहर का वक्त है, ये गुरबाणी की बारीक विचार धारा सुन का यह समा नहीं है, अमृत वेला तो उंजी खो गया है। हुण तो इंग्लैंड विच मैं देख के दंग रह जांदा, 11 बजे आसा दीवार लगती पई होंगी,
सिलसिले कुछ होर किधरे तो लगती ही कोई नहीं, गल ही खो गई। पैर मैं नाले दो जगह हाजरी भर के भी आया, मैं अरदास की सतगुरां को, थके हुआ शरीर है, थके हुआ दिमाग है, पर संगत की सेवा करा ली मेरे को। सारे ब्रह्मंड का आवना शब्द तो होया, वापसी भी शब्द तो देख जित द्वारे उभरे। जब आवना होया शब्द तो शब्द द्वार है, दरवाजा है, द्वार है, दर है, दरवाजा है। ये द्वार किसी घर नाल संबंधित है, ये दरवाजा किसी घर नू लगे है। कोई अपने आप से दरवाजा नहीं होता, हर दरवाजा किसी घर के नाल लगे होता। ये दर परमात्मा नाल जो है लगे है, तो परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम प्रकाश। ते दर होया शब्द, क्योंकि शब्द तो आवना होया। तो हुण मैं इस नूं इस तरह बयान करदा हुंदा, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, उही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, उही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। नानक सोधे सिमरत भेद, पावर ब्रह्म गुरु नाई भेद, दर घर की सोजी ना है, आम जगत नू ना दर दा पता ना घर दा पता। प्रकाश तो शब्द होया, शब्द तो सारा ब्रह्मंड होया। ये सारे ब्रह्मंड, सारे जीव जंतुओं की वापसी भी शब्द तो होगी, उंज नहीं होगी। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। अरबा खरबा साल पहले एक धमाका, एक आवाज हुई कवाओ, उसे तो जिंदगी दे लखां दरिया चल पे। सूरज एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हुए, ये धरती भी सूरज का टुकड़ा, ग्रह एक नुकता और बयान करके मैं अगे चला। वो कवाओ की सी, वो आवाज की सी, वो जो आवाज हुई ते जिस तो लखां सूरज प्रकट हो गए, वो आवाज की सी। मैं उस साइंस म्यूजियम दे जिहड़ी आवाज सुनी, जो साइंटिस्ट लोगों ने पकड़ी है या बयान कर रहे हैं, वो इंज है जिवें 100-150 तोपा इको दफा चढ़न, ते जिहड़ी आवाज बनती है, धमाका बनता है, वो आवाज उन्होंने उत्थे रिकॉर्ड की हुई दिखाते। बड़ा भारी धमाका होया, एकदम चानना हो गया, कई सूरज दिखा देते। फिर मैनू वो जेडे साइंटिस्ट आ रहे सन, दो गोरे सन, दो सिंह सन, वो ही मेरा सब कुछ इंटरप्रेट करके उन्होंने दसते सन। सिंह कहे मैनू कहन भी जिहड़ी तुसीं कथा करदे ना, बोल के कीती है ना, हुण इत्थे अखां नाल वेखो, ओही कुछ, ओही कुछ। मैं कहा हद हो गई, अज दी साइंस सहमत हो गई। साइंस का युग है, तो जितने चिर तक कोई साइंस प्रूफ ना करे, अज का यह पढ़ा लिखा नौजवान मनन को तैयार नहीं होता। पर मैं अर्ज करा, धर्म जेड़ी गल कहिंदा है, अजे साइंस हजारां साल पिछे, बहुत पिछे। अजे कुछ पसारे नूं ते साइंस ने मनिया है, अजे चोटी दे साइंटिस्ट ने भी परमात्मा नूं नहीं मनिया, कबूल नहीं कीता। इस वास्ते साइंटिस्ट अगर परमात्मा दी गल जिस दिन करेगा, वो साइंटिस्ट नहीं होवेगा, सेंट होवेगा, फिर संत हो जाएगा, फिर परमात्मा का रूप हो जाएगा, पर उसकी खेड कुछ होर हो जाएगी। शब्द की सी हो, वो आवाज की सी, उन्होंने तो दिखाई जिमें तोपा चल दी, 100-150 तोप एक ही दफा चले, तो जी आवाज आती है वो दिखाई। इनू जो बयान करते हैं धन गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी महाराज, भगत कबीर, जैन धर्म दे बाणी स्वामी महावीर, 108 उपनिषदों के चो अद्धे उपनिषदों के ऋषि।
शायद आपको पता हो जिते चार वेद ने ना ते छे शास्त्र ने उत्थे ज्ञान दे और 108 ग्रंथ ने उन्हां नूं उपनिषद कहिंदे ने। ओ 108 ने बनारस दे सनद दित्ती जांदी सी 35 साल दा कोर्स होंदा सी जिहड़ा चार वेद पढ़ के आया उन्हों कहिंदे सन चतुर्वेद। ये 6-7 साल का कोर्स होंदा सी जिहड़ा 3 पढ़ के आए त्रिवेदी जो 2 पढ़ के आए द्विवेदी जिहड़ा 6 शास्त्र पढ़ लवे शास्त्री पर जिहड़ा 3 वेद पढ़े ते 108 उपनिषद पढ़े उन्हों सनद मिलती सी श्री 111। जिहड़ा केवल 108 उपनिषद पढ़ के आवे उन्हों डिग्री मिलती सी श्री 108 श्री 108 जी महाराज प्रमाण पत्र मिलता से डिग्री मिलती से 108 उपनिषद पढ़ के चार वेद भावे ना पढ़े 3 पढ़े का थर बन नाम ही पढ़े ते कम चलेगा बाकी 3 पढ़ लवे उन्हों फिर 111 श्री 111 की सनद मिलती सी प्रमाण पत्र मिलता से 108 उपनिषद गालबन 60 दे करीब वो भी जो कह रहे हैं वो वही कुछ है जो गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह भगत कबीर ते स्वामी महावीर कहते हैं। वो आवाज की सी जिस तो अरबा खरबा सूरज पैदा हुए। पहले सुनो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप साहब साहब कहते हैं ओंकार आद कथने अनादि कथने ब्रह्मंड की पहली आवाज पहले तो पहला शब्द की है ओंकार थोड़े जाप साहब जपते होंगे बड़ी गजब की बाणी है परमात्मा के अनंत स्वरूपां नूं नमस्कार है नमस्तम अकाले नमस्तम कृपाले नमस्तम अरूपे नमस्तम अनूपे नमस्कार नमस्कार नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेंद्रे तुसी कोई भी छंद लो नमस्कार है नमो सर्व ज्ञाता नमो सर्व ख्याता नमस्कार। मलेशिया कुआलालंपुर दे एक दिन मैं एवें किधरे मूड बन गया मैं गिणती तो कर लीए ये सतगुर कितनी दफा नमस्कार कर दें ते किन्ने क रूपानू कर दें 3 दिनां दे च मेरी गिणती पूरी होई 1100 रूप बन गए। मैं कि जिहड़ा एक दफा शरदा नाल जाप साहब पढ़ लवे उन्हें 1100 दफा अकाल पुरख नूं मत्था टेकिया 1100 दफा। मैं दावा भी नहीं करता हो सकता गिणती च मेरे कोल गलती हो गई हो पर मैं बैठिया बैठिया 3 दिन मैं इस ते लाया मैं देखते हाँ बार बार नमस्कार बार बार सजदा बार बार नमस्कार बड़ी अगम्मी बाणी है। अमृत वेले इनू जपया है जपना ते पढ़ना ए भी जमीन आसमान का अंतर में से समा नालम पर बयान कर दिया पढ़न लगे ध्यान बार आता है अखर से आता है जपना तो इंज आ जबान बोले तो मन सोए इनू जप कहते पढ़न लगे ध्यान बार जाएगा जपद ध्यान अंतरमुखी हो पढ़न नालों लखा गुणा औखा है जपना 18-18 घंटे पाठ करने वाले मैं पाठी देखे ने सौखा है सौखा है 8 मिनट जाप करना औखा है कठिन है कठिन है। मैनू 50 साल के करीब हो गए ने कथा कर दिया अजे मैं बचपन तो एक कदम अगे चलिया सतगुरु ने मैनू इस पासे तोरिया सन 47 दे देश दी वंड दे समय ते अज मेरा जीवन जीवन दल चलिया गालबन 50 साल मैनू हो गए ने मैं देखे है अज भी जिंदगी जपना औखा है ये 3 टाइम कथा कर लेनी सौखी है जप औखा है आखण औखा साचा औखा है की औखा है
जब उसनों कहने जबान उच्चारण करे ते मन सुने अखां बंद ते अनंतर होगी इतने एक सेकंड भी नहीं होगा एक मिनट भी नहीं होगा अगर हो गए कोई कर सकता है तो एक चित जाए एक छिन्न ले आयो काल फास के बीच ना निर्वाण कीर्तन गाओ कर देखा निमग सिमरत जित छूटे एक सेकंड कीर्तन दे बंद खलासी हो जाएगी मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाएगी सारी रात कि रैन सवाई कीर्तन कोई उधर डिगया पे कोई उधर डिगया पे हस्पताल बनया पे आंदा कई दफा गुरुद्वारा कोई उधर डिगया पे कोई उधर डिगया पे चेहरे ते उदासियां सहन नाई अरदास करके नहीं बैठिया सी कि मैं सारी रात बैठ के कीर्तन करना है घर विच किधरे संत प्रौणे आ गए आए संत प्रौणे घरवाली ने कहा असी बैठते हैं जरा संध्या कर लें भजन कर लें तू भोजन बना ले इन्हां संतां लई प्रशादा बना ले जितने देर तक तू प्रशादा बनानी आप थोड़ा भजन कर लें भजन विच ऐसे जुड़ गए भोजन चेते नहीं रहे लंघ गई रात ओ बेचारी भोजन बना के बैठी रही एक कदों भजन बंद करन ते मैं अगों भोजन रखा पर उत्थे भजन ही भोजन बन गया ब्रह्म ज्ञान ही का भोजन ज्ञान खेड़ी कुछ और हो गया सिलसिला कुछ और हो गया रहन सुभाई सारी रात लंघ गई पढ़न लग्या ध्यान बाहर आउंदा है जपन लग्या ते जपेगा ओ जिहदा ध्यान अंतरमुखी जाएगा क्योंकि जबान जो उच्चारण करके वाहे गुरु उन्हों सुने जपन लग्या बाणी कंठ होनी चाहिए वरना जप नहीं हो सकता फिर पढ़ना हो सकता जपना नहीं हो सकता मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना व्यर्थ जाएगा पढ़न नाल कंठ हो सकती है बाणी पढ़न नाल अर्थ बोध का पता चलता है पढ़न नाल सतगुरु के अंगा का पता चलता है और मल्या का पता चलता है बहुत कुछ ज्ञान मिलता है लेकिन बाणी का रूप तो मनुख उदों बनेगा जब बाणी नूं जपेगा जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वगाणे ते हुण मैं अर्ज करदा पढ़न नालों लखां गुणा औखा है जपना सेवा नालों भी लखां गुणा औखा है जपना अठ अठ घंटे सेवा करन वाले मनुख मैं देखे ने अठ मिनट जप नहीं कर सकते नहीं कर सकते कठिन है औखा है वो शब्द जिस तो सारा पसारा होया कलगीधर पिता कहिंदे ने ओंकार आद कथनी अनाद ये अनादि कथनी ये पहला बोल है ये ब्रह्मंड की पहली आवाज है केड़ी ओंकार आद ये आदि बोल है पहला बोल है इस तो पहले आवाज की दुनिया नहीं सी शब्द की दुनिया नहीं सी ये पहला शब्द है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ओंकार आद कथनी अनाद ये अनादि कथनी है आद कह के अनाद कह एक आहत शब्द होता है जो दो चीजों के चोट तो पै जाता है टकराव तो पैदा होता है एक अनाहत जो सीधा परमात्मा तो आया प्रकाश तो आया चोट तो नहीं पैदा होया तो साहब कहते हैं ये जो आद शब्द है ओंकार ये अनाहद है ये चोट तो नहीं पैदा होया प्रकाश तो आया है परमात्मा तो आया उदी आवाज है ओंकार आद कथनी अनाद उन भगत कबीर नो सुना बावन अखरी श्री कबीर जी वो कहते ने ओंकार आद मैं जाना लिखे और मेठे ताए न माना तुसी लिख दिता ओंकार मिटा दिता ये नहीं है कबीर कहने ओंकार आद मैं जाना मैं ये जाने ये ब्रह्मंड की पहली आवाज है पहला बोल है पहली आवाज है और इसे आवाज तो सब कुछ उत्पन्न होया है सब कुछ बने ऐसा कबीर कहते हैं ऐसा जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर कहते हैं ऐसा उपनिषदां दे गालबन सठ उपनिषदां दे ऋषि मुनि कहते ने क्योंकि दो चार उपनिषदां तो इलावा उपनिषदां दे उत्ते नाम नहीं लिखे होया
किस ऋषि की उपनिषद है। उपनिषद का नाम है पर लेखक का नाम कोई नहीं, उच्चारणकर्ता का नाम कोई नहीं। वह भी कहते हैं आदि शब्द ओहंकार। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तो बकायदा एक बाणी रच दी है गुरु ग्रंथ साहब के विच है। उस बाणी का नाम है, सिरलेख है, अनुमान है ओहंकार। एडिंग यही है ओहंकार। दकड़ी ओहंकार लिखे है रामकली दकड़ी। भारत में दो तरह का राग है, पूर्वी भारत का संगीत, दक्षिण भारत का संगीत। साफ लिखे आ जाता है गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा। ये जी गौड़ी गायन करनी है पूर्व की, जो बंगाल से असाम बिहार में गाई जाती है। रामकली दखनी मल्ला पहला, ये रामकली वह गायन करनी है जो दक्षिण में गाई की जाती है कर्नाटक तमिल ते केरला। राग खो गए हैं क्योंकि स्रोते खो गए हैं, समझ खो गई है। साफ लिखे इन पूर्व की जो है रामकली नहीं गाणी, दक्षिण की गाणी है। दखनी रामकली, रामकली दखनी। इनू दक्षिण की गौड़ी दे ना गाणा, पूर्व की गौड़ी, गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा। साफ लिखे तो रामकली दखनी दे सतगुरु ने एक बाणी उच्चारण की। बाणी का नाम की है ओहंकार। जिवें पहली बाणी का नाम है जप, एक बाणी का नाम बारहवां है सुखमनी साहब, गाथा पुने चंद संस्कृति श्लोक। इसे तरह एक बाणी का नाम है ओहंकार। इस तरह आरंभ होती है ओहंकार ब्रह्मा उत्पत्त। ओहंकार किया जिंचित, ओहंकार सहज जुग वै, ओहंकार वेद निर्मय। सारा पसारा ओहंकार की धुन तो है। ये बाणी पता कितने उच्चारण की है? भारत देश कोई 4,500 साल पुराना एक तीर्थ है नर्मदा के कंडे है, इंदौर तो 40 मील की दूरी है। पता इस तीर्थ का नाम की है? तीर्थ का नाम है ओहंकार। उत्थे जिहड़ा मंदिर बनाया है वह पहाड़ नूं तराश के बनाया गया है। उस मंदिर का नाम है ओहंकार। लंका की फेरी दे जब सतगुरु दक्षिण दे गए ने, इस तीरथ ते जाते होया ठहरे ने, आंदे होया ठहरे ने। इत्थे बहुत वड्डा विद्यालय सी जिथे उपनिषदां पढ़ाईयां जांदियां सन, संस्कृत पढ़ाई जांदी सी। उस विद्यालय दे सतगुरु ने बाणी उच्चारण की है। इस बाणी की राव की पंक्ति है, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। ओहंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओहंकार किया जंचित, ओहंकार सहज जुग वै, ओहंकार वेद निर्मय। ओहंकार इतना नहीं जड़ा तुसी समंदर नूं मनदे हो, ओहंकार तो सारा ब्रह्मंड है, सारा संसार है। मंदिर तो 100 गज की दूरी ते विद्यालय सी जिथे उच्चारण की सी पातशाह ने बाणी। अज उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान है, उहदा नाम है गुरुद्वारा ओहंकार। मंदिर का नाम है ओहंकार। सारे शहर का नाम है ओहंकार। रेलवे स्टेशन का नाम है ओहंकार। हजूर साहब जिहड़े 22 रोड जाते हैं इंदौर तो इधर अकोला होके, वह फिर इस तीरथ ते ठहरते हो जाते हैं। अगों फिर बुरहानपुर आ जाता, दर्शन करते जाने ठहरते हो जाते हैं। इंदौर तो सिर्फ 40 मील की दूरी से रेलवे स्टेशन भी है। मैं फिर अर्ज करा रेलवे स्टेशन का नाम है ओहंकार, शहर का नाम है ओहंकार, मंदिर का नाम है ओहंकार, गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओहंकार। ये तीर्थ घट तो घट 4,500 साल पुराना है, और मंदिर भी इतना पुराना है क्योंकि 12 पत्थर लिया के मंदिर नहीं बनाया गया, वो जो पहाड़ पत्थर है उन्होंने भी तराश के बनाया गया। संत तराशी का वो एक नमूना है, अजूब है।
1 अप्रैल तो लेके 7 अप्रैल तक गुरुद्वारा ओंकार जी विच सालाना बहुत वड्डा गुरमत समागम उत्थे मेरे पातशाह ने बाणी उच्चारण कीती है सारा पसारा ओंकार तो है। कोई ए ना आखे कोई और शब्द है, क्यों? कुछ उपनिषदा दे करता कहने ने वो शब्द सी ओम ओम। कुछ एक ने कुछ और रूप रेखा भी बयान कीती है, तो फिर मजबूरन गुरु नानक ने एक लाना पिया एक ओंकार। एक यही शब्द है, दूजा नहीं है। एक ओंकार मूल रूप दे शब्द है ओंकार, पर चूंकि दूजे तीजे शब्द की भी चर्चा है भारत दे, तो सतगुरु कहने नहीं एक ओंकार। एक यही शब्द है जिस तो सारी उत्पत्ति हुई है, जिस तो सारा संसार है। इसे नु कलगीधर पातशाह कहने ओंकार आ कथनी आना। इसे नु भगत कबीर कहने ओंकार आद मैं जाना लिखे रमेटे ताए नमाना। इसे नु पाली भाषा दे स्वामी महावीर ने लिखे ओंकार अपने ग्रंथ दे समय सार दे। तो मैं अर्ज करा ओंकार ब्रह्मंड दी पहली आवाज है, इसे तो संसार पैदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब का पहला शब्द है, अक्षर है ओंकार ओंकार। इस तो उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति किस तरह हुई? ये जब आवाज हुई तो अरबां खरबां सूरज पैदा हो गए, फिर एक एक सूरज के कई कई टुकड़े आए। ये जरा सूरज है इसके 14 टुकड़े मनते हैं, 14 लोग जाहे बस कीने ताते कहां पले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी 14 लोग कहते हैं, दोए दीवे 14 हट नाले जीते जीते ते बन जारे, ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं। 14 तबक ने ऐसा मोहम्मद साहब भी कहते हैं। जब मैं कुरान का अध्ययन किया मैं हैरान हो गया, वह भी 14 ही तबक मनते हैं। इस सूरज दे जो सानू इतना वड्डा चानना दे रहा है, इहदे 14 टुकड़े हो गए, उस तो 14 लोग बन गए। एक टुकड़ा है धरती जिससे असी रहने हैं, बाकी टुकड़िया नू भी खाली ना समझ लेना। जन्म साखी च लिखे उत्थे भी दुनिया रहती है, पर असी समझते हैं साडी तरह जिवें असी 5 तत् दे पुतले हैं, जरूरी नहीं वह तत्तां दे पुतले हो। यह भी महसूस करते हैं जो असी खाते पीते हाँ ये जरूरी नहीं कि उन्होंने वही खुराक है। तो दवेखी जगत पाया उन्हें वनकी वनकी का जगत बनाया। आप जितने सारे बैठे हो सब अलग अलग हो वक् वक् हो। मेरे कल तक खेल रचाया कोई ना किसे ही जय आ पाया। हर मनुख अलग अलग है। मैं अक्सर अर्ज करना हूं हर एक दे चाल ढाल अलग है, नैन नक्श अलग ने, हर एक दी आवाज अलग है, हर एक दे फिंगर प्रिंट अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग है, सब अलग अलग। मेरे करते एक खेल रचाया कोई ना किसे ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं बनाता हो, एक जैसी दूसरी धरती नहीं है, एक जैसा दूजा सूरज नहीं है, एक जैसा दूजा तारा नहीं है, एक जैसा दूजा दरख्त नहीं है, एक जैसा दूजा पत्ता नहीं है, फुल नहीं है, फल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, रंग दे च स्वाद दे च वजन दे च लाजमी फर्क होते। एक जैसा दूसरा मनुख भी नहीं है। ठीक है कह देंदे ने दो मनुखां दा खून आपस दे च मेल खांदा है किधरे, ते वो एक दूजे नूं चाड़िया जांदा है किसे मरीज नूं, उसदे ग्रुप दा खून मिल जाए। आयुर्वेद आचार्य नहीं मनते, धर्म नहीं मनते, एक खून जैसा दूसरे दा खून नहीं है, नहीं मनते। किसे दिन साइंस नूं भी मनना पेगा। देखो शरीर का ऑपरेशन डॉक्टर करता है, जे किधरे मांस दे टुकड़े की लोड़ पै जाए लगाण दी, तो उसे शरीर का कट के लाते ने, दूजे दे शरीर दे मांस नूं इह शरीर एक्सैप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। इहदा मतलब है हर एक का मांस अलग अलग है। जे हर एक का मांस अलग अलग है, जमया होया खून ही तो मांस बनता जाता है, तो फिर खून अलग अलग है, चर्बी अलग अलग है। मेरे करते एक खेल रचाया
कोई ना किसी ही जिहा उपाया एक जैसा दूसरा उसने नहीं बनाया। तो जब एक जैसा दूसरा बनाया नहीं तो महज करा इन्हां ग्रहां ते वख वख दुनिया रहिंदी है, वख वख जीव जंतु रहिंदे, साडी तरह इत्थे नहीं, अलग अलग पसारा है। जन्म साखी पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे, किसे दिन नदी नाव संजोगी मेला होया तो जन्म साखी दे पत्रे भी मैं तुहाडे सामने रखांगा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये अग दा गोला सी, वो जिहड़ी धुंद सी वह पाणी बन गई। इस अग नाल वो धुंद पानी बन गई। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, गट गट जोत समोए। ये अग दा जो गोला सी धुंद जैसे पानी बनी, ते इस अग दे गोले दा कुछ भाग ठंडा होया। वो किस रूप दे च प्रगट होया? पत्थर। पत्थर बड़े ध्यान नाल सुनना, किधर होर दा होर ना समझ लेना। इस वास्ते आकार रूप दे च आदि आकार पत्थर है। पत्थर टोटली सुस्ता होया, अचेत है, परमात्मा पूर्ण जागया है। पत्थर दी यात्रा है परमात्मा होण दी। गल सारी सुनना ते फिर फैसला करना, पहले ना करना। पत्थर ते परमात्मा दा स्वभाव इको कुछ है, रूप एक नहीं है। क्यों? परमात्मा ते अरूप है, अनूप है, उहदा कोई चक्कर चैन रंग नहीं है। पर पत्थर दा ते परमात्मा दा स्वभाव इको है। परमात्मा दुख सुख तो न्यारा है, पत्थर भी दुख सुख तो न्यारा है। पत्थर दी सारा दिन पूजा करो ते कोई वर नहीं देन लगा, ते सारा दिन गालां कढो ते कोई श्राप नहीं देन लगा। परमात्मा दी उपमा करो बेपरवाह है, निंदा करो बेपरवाह है। जे सब मिल के आखण पाए, वड़ा ना होवे घाट ना जाए। ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪੱਥਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति बनया, पत्थर ही बनया। बनस्पति थोड़ी जिया जाग गई, ते जागे हुए दियां लोड़ां होंदियां, सुते हुए दियां लोड़ां नहीं होंदियां। पत्थर दी कोई लोड़ नहीं, बनस्पति दी लोड़ है। इन्हों प्यास लगती है, पानी चाहिए। जल बिन साध कुमलावती उपजे ना ही दाम। उत्पत्ति भी जल करके हुई और जल उसनों चाहिए। जल जीवन है, पहला पानी जीव है। इस वास्ते प्रभु ने पहले पानी बना दिता, धुंद पानी बन गए। बनस्पति नु पानी चाहिए, प्यास लगती है। बनस्पति थोड़ा जिहा दुख सुख भी महसूस करती है। ऐसे फकीर भी होए ने, हिरदा इतना कोमल हो गया कि घास के उत्ते पैर रखना भी औखा हो गया, भी जीव है। कुछ ऐसे भी संत होए ने, दरख्त तो फल तोड़ के नहीं खाते सन, कहीं नहीं इन्हों के बच्चे ने जिहड़े गिर जाएंगे वह मुरदा ने वह छक देंगे। इतने हिरदे कोमल हो गए। बनस्पति दे च जीव है, ऐ छूई मुई नूं ते हथ लाओ तो एकदम घुमलांदी है। बनस्पति थोड़ा जिहा दुख सुख महसूस करती है, इनू प्यास भी लगती है। हजारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु पक्षियों के रूप में प्रगट हुई। पशुओं को निरी प्यास नहीं लगती, भुख भी लगती है। निरा पानी पिला के शेर को जिंदा नहीं रख सकते, उन्हें मांस भी चाहिए। निरा पानी पिला के गऊ नूं जिंदा नहीं रख सकते, उन्हें घास भी चाहिए, भुख भी लगती है।
लोड़ां वध गईयां क्यों बनस्पति नालों पशु ज्यादा जागया है ज्यादा जागया तो लोड़ां भी ज्यादा वध गईयां हुण निरी प्यास नहीं भुख भी लगती है पशु कोल आवाज भी आ गई आवाज तो पता चलता है गऊ है शेर है गिद्दड़ है कुत्ता है आवाज दस देती है उन्हां दा जिहड़ी धुन है वह दस देती है यह बुलबुल पई बोलती है कोयल पई बोलती है कौआ पे बोलता है आवाज तो पता चलता है इन्हां कोल आवाज भी आ गई भुख ते प्यास भी आ गई बनस्पति नालों ज्यादा जागे ने इस वास्ते दुख सुख ज्यादा महसूस कर देना ज्यादा महसूस कर देना हजारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद यह पशु पक्षी जिस शकल दे च प्रगट होए उसनों मनुख कहिंदे ने उस साइंस मिजम दे च भी यही दिखाया गया जो गुरबाणी कहती कई जन्म बै कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर पोयो कई जन्म है वर वृत जोयो और सुनो छेती छेती मैं बयान करता जाऊं कई जन्म सैल गिर करया पता नहीं कितनी मुद्दत तक तू सैल सिला पत्थर सी असी आद रूप दे पत्थरां तो चले हैं पत्थर दा रूप साडा खत्म हो गया बनस्पति दा रूप साडा खत्म हो गया और पशुआं दा रूप भी साडा खत्म हो गया उत्थों लंघ के आया कईयां दा सुभाव नहीं खत्म होया अजे भी कईयां दे दिल पत्थर कठोर अगला कह देंदा नहीं इत्थे संग दे रहे संग पत्थर नूं कहिंदे रूप ते मनुख दा हो गया सुभाव पत्थर है रूप ते मनुख दा हो गया जे सुभाव पशु है करतूत पशु की मानस जात लोक बचार इंज कहने मैन शब्द भी मन तो आया मनुष्य तो आया इंज कहते उसे धातु तो बने है। मन जो सोच विचार रखता है जो समझ रखता है पशु उदे कुल विकसित मन नहीं है बनस्पति इदे कुल भी नहीं है पत्थर इदे कुल ते टोटली मन सुता पे है टोटली सुता पे बनस्पति का थोड़ा जिहा मन जागया उस तो ज्यादा जागया पशुआ का उस तो ज्यादा जागया मनुख का यह मन के तलते जीवदा इसके मन चो समाज का जन्म होया राजनीति का जन्म होया मन चो ही धर्म का जन्म होया विचारां तो सिखी सिख्या गुरु विचार सिखी का जन्म किस तो होगा गुरु की विचार तो नहीं विचार करोगे तो सिख सिख नहीं है जो अपने विचार नाल जीवे मनमुख जो गुरु दे विचार नाल जीवे गुरमुख और किसे नूं गुरमुख आखोगे गुरसिख गुरसिख वीत चलो गुर चाली जो गुर करे सोई भल मानो हर हर कथा निराली मनुख कोल भुख ते प्यास ते है सी आवाज भी आई ध्यान बख्शना आवाज दे नाल नाल अक्षर भी आ गए अल्फाज भी आ गए धुन ते सी अक्षर भी आ गए पशु कोल धुन है अखर नहीं है पशु कोल आवाज है अल्फाज नहीं एकाग्रता प्रदान करने आवाज है चिड़िया कोल कोयलों कोल कौवियां कोल गिदड़ां कोल शेरां कोल आवाज है अल्फाज नहीं है अखर नहीं है मनुख कोल आवाज दे नाल नाल अक्षर भी आ गए इस वास्ते ज्ञान लैण दे ते ज्ञान देण दे समर्थ हो गया क्योंकि केवल आवाज नहीं केवल आवाज ते गुंगे कोल भी है ते हुण गुंगे नूं पुछिए तू कित्थों आया आ आ आ इस तरह करदा है की पता चले कित्थों आया तू किहनूं मिलना है विचारे कोल आवाज ते है अल्फाज कोई नहीं धुन ते है अखर नहीं है तो हुण गुंगा की दसे इस वास्ते गुंगे दा सारा विकास रुक जांदा है इह भी मैं अंधे का नहीं रुकता क्यों अंधे को आवाज है और अल्फाज भी अखर है इस वास्ते नेत्रहीन मनुख मैं देखे चोटी दे कवि एक कवि 35 साल तो दास दे नाल चल रहा है ज्ञानी जय सिंह शुगर नेत्रहीन बड़ा टॉप का कवि नेत्रहीन चोटी दे संगीतकार भी देखे गए हैं सिख जगत विच हो गुजरे दो महान रागी भाई सुरजन सिंह भाई गोपाल सिंह जन्म तो नेत्रहीन सन नेत्रहीन मनुख
दार्शनिक फिलोसफर भी देखे गए हैं। नेत्रहीन मनुख राजनीति के भी महान पंडित देखे गए हैं। द्वापर युग का राजा धृतराष्ट्र अंधा सी, राजपाट चलाया उन्हें। पिछली पार्लियामेंट के दो MP अंधे सन, एक गुजरात पर एक बिहार तो, पर बुलारे बड़े गजब दे उन्हां कोल अक्षर सन, आवाज ते अल्फाज सी, वोट लैण दे समर्थ हो गए, पार्लियामेंट तक पहुंच गए। दूर क्यों जाओ, थोड़े इंग्लैंड का सिर्फ होम मिनिस्टर अंदर अंदर। नेत्रहीन मनुख राजनीतिक भी हो सकता है। नेत्रहीन मनुख छोटी का संगीतकार हो सकता है, कवि हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है। नेत्रहीन मनुख भगत ते संत भी हो सकता है। भगत सूरदास बैठे ने धन गुरु ग्रंथ साहब दे, इहदे कोल अखां ते नहीं सन, संसार नूं वेखण दे ते समर्थ नहीं हो सकिया, निरंकार नूं वेखण दे समर्थ हो गए। भगत सूरदास सारंग राग दे चुल्दा शब्द एक पंक्ति है, जिंदगी दे विकास दे द्वारे गुंगे वास्ते बंद ने। ना थानू दार्शनिक मिलेगा कोई गूंगा, ना फिलोसफर, ना कवि, ना राजनीतिक, और ना ही संगीतकार, ना ही संत। विकास रुकया है, उहदा संबंध नहीं जुड़दा, उहदे मित्र भी नहीं बनते। ता ही तो कहिंदे ने पंजाबी दे, गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां जाने, और कौन जाने, दूजे नूं पता ही नहीं चलता। गुंगे का सारा विकास रुकया होया है। पशु हजारां साल पहले जिथे सन, अज भी उत्थे ने, क्यों? आवाज ते है, अल्फाज कोई नहीं। मनुख ने जो सारी गति कीती है, तरक्की कीती है, अखरां ते असवार होके, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिरसन जोग वखाण। बावन अखरी दे साहब लिखे है, अखर अंदर त्रिभुवन धारे, अक्षरां दे तिन लोकां दा ज्ञान छुपिया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ये अखर, इन्हां दे परमात्मा दा प्रकाश विराजमान है। पोथी परमेश्वर का स्थान, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण वा, अखरा सिर संजोग वखाण। प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया, बनस्पति नूं पशु बनाया, पक्षी बनाया, प्रकृति तोड़दी रही, फिर पशु पक्षी नूं उसने मनुख बनाया, मनुख नूं खुला छोड़ दिता। क्योंकि खुला परमात्मा ने छोड़िया, ईश्वर ने छोड़िया, खुल ओदी दित्ती हुई है। तू अपने कर्मा करके उस द्वार तक पहुंच सकता है, जिस द्वार तो तू आया, जित द्वारे उबरे तिथे ले वा, शब्द तो तेरा आवना होया है, वापसी शब्द तो होएगी, जप करेगा शब्द का वापस होएगा, उंज नहीं होएगा। इस वास्ते शब्द की महिमा हुण मैं बयान करा, जो प्रकाश के रूप में परमात्मा है, वही शब्द के रूप में गुरु है, और जो शब्द के रूप में गुरु है, वही प्रकाश के रूप में परमात्मा है। फर्क सिर्फ इतना है, परमात्मा घर है, गुरु दर है, तां ते असीं कहने गुरु द्वारा। इस देश दे इन्हां देशां च मैं देखदा गुरु घर कहण लग पए ने, वरना पुराना नाम गुरुद्वारा है, इंडिया च गुरुद्वारा कहिंदे, इत्थे गुरु घर कहण लग पए। घर परमात्मा दा, दर गुरु, प्रभु घर है, गुरु दर है। शब्द का जप प्रकाश करा देगा, परमात्मा चलीन कर देगा। तो जब शब्द ने कराना है, तो शब्द दरवाजा है, इतों तो लंघना ही पेगा, दरवाजे तो लंघना होंगे, दरवाजे से बैठना नहीं होता। शब्द का जप करके ध्यान नूं अगे लगाना है, भाव इतनी गहराई नाल सुनना है, शब्द खो जाएगा, परमात्मा प्रगट हो जाएगा, फिर जबान चुप हो जाएगी, फिर एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा, वो जो अनाहद नाद है ओहंकार, उस अनाहद नाद नूं सुनेगा। वो जिहड़ा अनाहद नाद जुड़िया हुई आत्मावां सुन दिया ने जगत के कल्याण हित, उस अनाहद नाद नूं कलमबंद कर देना है। वो परमात्मा दे बोल आउंदे ने, कसम दे बोल आउंदे। सतगुर अपने कोल पोथी रखते सन, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, तो बाणी मरदाने ते नहीं आई,
बाणी गुरु नानक ते आई है। गाँवदे गुरु नानक आप ने वकत दा राग गाते हैं, वकत दी राग नहीं गाते हैं। रामकली गाते हैं, सोरठ गाते हैं, बिलावल गाते हैं, भैरव गाते हैं, श्री राग गाते हैं, आसा गाते हैं। वकत दा राग वकत दी राग नहीं। मरदाना नाल रबाब हो जाता है। जब कीर्तन सुनना हो तो मरदाना कीर्तन करता है। बाणी गुरु नानक ते आउंदी है जिहड़ी प्रगट होंदी है। खसम दे बोल जो पकड़ते चाहते हैं, फिर सतगुर लिखते हैं जगत दे कल्याण हित। हर मनुख अपने बोलों राही प्रगट होंदा है। किसी मनुख की 10 दिन संगत करो, वह बिल्कुल बोले ही ना, मोह नहीं होवे, कख नहीं पता चलेगा ये बंदा की है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। शेख सादी साहब कहते हैं ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐ वो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्हें चिर तक बंदा बोले ना, 10-20 दिन उसकी बोल चाल ना सुनिए, पता ही नहीं चलता मूर्ख है कि सियाना है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, दूर दृष्ट है कि जल्दबाज है, क्रोधी है कि शांतमयी है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, राजनीतिक है कि कारोबारी। उसके बोल चाल सब कुछ दस देंगे, सब कुछ दस। मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलां विच। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। औरंगजेब नूं लिखदे हैं जफरनामे च, कलगीधर पातशाह कहिंदे ने हमू मर्द बायत शबद सुख नवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिवर। मैं मनुख उस नूं मनदा जो जबान दे च है ओही दिल दे च है, जो दिल दे च है ओही जबान दे च है। पर की करा तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल विच कुछ और है। तू जबान ते दिल नो एक नहीं कीता, तू शब्द ते सुरत नो एक नहीं कीता, इस वास्ते तेरे जैसा और कोई पखंडी नहीं, एक नहीं। जे तू 100 कसमां भी कुरान दियां खावे, हो सकता है कोई भारतवासी भरोसा कर ले मैं नहीं करांगा। कलगीधर दे बोल थानू सरवण करावा। सतगुरु कहिंदे ने अगर सत कुरान बा उरी कसम मरा एतबार न यक जर्रा दम। एक नहीं, 100 कसमां तू कुरान दियां खावे मैं नहीं भरोसा कर सकता, तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम झूठी। तू शब्द ते सुरत नू एक नहीं कर सकया, तू जबान ते दिल नू एक नहीं कर सकया। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। ई जिहड़े शब्द ने ई परमात्मा दा अनुभव जिन्हों बयान करते हैं गुरु नानक। जैसे ने आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे ला लो। 2-3 मिनट मैं होर नवा समाप्ति करा। पहले दिन जब कुरान की आयत कंठ तो निकली है मुहम्मद साहब दे, मुहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, शायद आपको पता हो 2 साल दे सन, पिता गुजर गया, 3 साल दे होए मां गुजर गई, चाचे ने पालिया, अबू तालिब ने पालिया, यतीम सन, तो पढ़ाई लिखाई तो विचारे रह गए। पिछली संस्कारां करके बड़े नेक, बड़े हलेम तबीयत ते बड़ी खुदा दी बंदगी करने वाले। ये नौकरी करते सन, एक मालदार औरत खदीजा उसकी नौकरी करते सन, जवान होके उहदा समान बसरा दमश्क बगदाद दे जाके बेचा, वापस आके जद्दा विच कौड़ी कौड़ी का हिसाब दे देंदे सन। इन्हां दी इमानदारी नूं खदीजा देख के इतनी प्रभावित होई, जबकि मुहम्मद साहब की उम्र 25 साल की सी, खदीजा की उम्र 40 साल की सी। ये मालकन ते नौकर का संबंध पति पत्नी दे बदल गया। खदीजा हजरत खदीजा कहलाण लग पई, ये मुहम्मद साहब की पत्नी। जिस दिन कुरान की आयत कंठ तो निकली, हुण कविता दे सी ते तरन्नुम दे सी, खदीजा तंग रह गई है, उंगलियां दे उत्ते हिसाब कर दे, गिनती मिनती कर दे, इन्नी तरतीब विच और काव्य शैली और संगीत तरन्नुम कह दिता, हजरत ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, मैं नहीं मनती, ये किस दे बोल ने, थोड़ी जबान अलाप रही है, तुसीं दोहरा रहे हो, ये किस दे बोल ने, ये थोड़े बोल नहीं है। मुहम्मद साहब कहते हैं खदीजा तू ठीक जाने,
मुहम्मद ते हुण चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोल रहे की बोल रहे। मुहम्मद चुप कर गया, हुण खुदा बोलता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे नूं आपो बोल ना जानदा, मैं ते बोलना ही नहीं जानदा, मैनूं नहीं आउंदा बोल। फिर इतने बोले की ने कि जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इतने खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, और रूहे जमीन दे च वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो शुद्ध रूप दे च अवतार दे बोल ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, 5000 साल पहले ब्रह्मे दे कंठ तो जो वेद निकले, 1500 साल बाद व्यास ने लिखे ने, ब्रह्मे ने नहीं लिखे, नहीं लिखे। इस वास्ते ऋषि वेद व्यास उसका नाम पे है, वेदां नूं लिखण वाला। और ये पंजाब दा सी, भावे पंजाब दा पुराना नाम पंजाब नहीं सी, उस जमाने च पता इसका नाम की सी, पहले सपत सिंधु कहिंदे सन, फिर इस इलाके का नाम पे मधुर देश, कलगीधर पातशाह मधुर देश कहने। मधुर देश हम को ले आए, भांत भांत दईन दुरलाए, भी पटने तो असी मधुर देश दे आ गए। अज दे पंजाब देश, कुछ अरसा पहले इस इलाके का नाम मधुर देश, वैदिक काल दे इसका नाम सपत सिंधु सत दरियावां करके, दरिया सिंध भी नाल जोड़ना पैंदा सी, घाघरा नदी भी जुड़ती सी, ये पंज दरिया भी सपत सिंधु सत दरियावां दा इलाका। इसे ही इलाके का यह व्यास से इतने इसने वेद लिखे ने, फिर ये नाम से दरिया नाम पै गया, क्योंकि इसे दरिया के कंढे से उसने वेद लिखे। 5000 साल पहले वेद कंठ तो निकले, 1500 साल बाद लिखे है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता श्री कृष्ण के कंठ तो निकली, 200 साल बाद ऋषि वेद व्यास ने लिखी है, कोई कृष्ण ने नहीं लिखी। महात्मा बुद्ध दे बोल 600 साल बाद लंका दे भिक्षु कट्ठे हुए, वे बोल खोंदे जा रहे हैं, भुल जावांगे, इन्हों लिखती रूप देईए। तो बोध भिक्षुआ ने महात्मा बुद्ध दे बोलां नूं लिखती रूप दिता है, वो कोई महात्मा बुद्ध दे लिखे बोल नहीं ने। बाइबल ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई है, कोई हजरत ईसा ने नहीं लिखी। हिब्रो दे उस वक्त दे इन्हां दे चेले, वह भी 500 साल बाद उन्हां नूं ख्याल आया है लिखण दा, तां लिखिया है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, एक बोल जिस मनुख ने अज बोलिया है ते 1500 साल बाद लिखिया जावे, उहदे च काफ़ी कुछ जुड़ जाएगा, काफ़ी कुछ खो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दें, मैं एक गुलाब का फुल एक सज्जन नूं देवां, दूजा तीजे नूं देवे, तीजा चौथे नूं देवे, ते 100 हत्थां विच हो के वह फुल मेरे को लावे, ये फुल वह नहीं है। इहदे चों कुछ बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ इस दे नाल जुड़ गया। हर एक दे हथ दी वाइब्रेशन ने इसनों प्रभावित किया, वो नहीं है। एक बोल दूजे तक, दूजा तीजे तक 1500 साल की यात्रा करने के बाद उन्होंने जब लिखती रूप दिता गया होगा, शुद्ध रूप खो गया होगा। रूहे जमीन दे इको एक ग्रंथ है जिन्हों शुद्ध रूप रिच असी कह सकते हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। इधर बाणी उतर दी है गुरु नानक दे, उधर लिख लेंगे, उधर लिख दो नुकते होर कह के मैं समाप्ति करा। आज तो कोई 22-23 साल पहले एक सज्जन ने मेरे अगवा के प्रश्न किया, उस तो मैं उसकी फितरत का अंदाजा भी ला लिया। कहने के सैकड़े साल तक लोग पत्थर की पूजा करते रहे। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, जागत जोत जपे ने सबासर, एक बिना मन ने एक नान। बड़िया उम्मीदा सन, लेकिन सिख जगत कागज की पूजा करता है, कागज की। मैनू कह लगे, मस्कीन जी थोड़िया कथा कहानियां ते मैं सुनिया, मैं सिर्फ इन्ना पूछण आया, पत्थर जड़ है, क्या कागज चेतन है, जागत जोत है? अगर पत्थर जड़ है तो फिर कागज भी जड़ है। तुसी साबित कर सकते हो कागज चेतन है ते थोड़ा पूजा पाठ ठीक है?
मैं कि मैं इतने नहीं साबित कर सकता। जिवें तू कहिंदा पिया कागज जड़ है, मैं भी कहना जड़ है, पर मैं कहा मित्रा तैनू भुलेखा लगे। मैं उहदे सामने रविदास दीआं दो पंक्तियां रखियां, ध्यान नाल सुनना। तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचार। पुराने जमाने दे ताड़ी दे बुरादे तो कागज बनाते सन। ताड़ी का दर्द खजूर की तरह होंदा, इनू अपवित्र करके मनते। क्यों? जिवें दरख्तां दे चो रबड़ निकलता है ना, इस दे चो एक रस निकलता है, ताड़ी उन्हों कहिंदे ने, उहदे च नशा होंदा। यूपी बिहार दे ताड़ी ठेकियां ते बिकदी, थोड़ी जी भी पी लो तो शराब की तरह नशा चढ़ जाता है। इस वास्ते इस दरख्त नूं अपवित्र मनते शास्त्रकार। भारत में बहुत है, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में बहुत ज्यादा। तर तार अपवित्र कर मानिए रे रविदास जैसे कागरा करण विचारन। अजकल कागज बनता है बांस तो, घास तो, ये भी कोई पूजनीक नहीं है। पुराने जमाने च बनता सी ताड़ी तो। रविदास कहने भगत भगौत लिखिए तें ऊपर पूजिए कर नमस्कार। उस अपवित्र कागज उत्ते जब परमात्मा का नाम ते ज्ञान लिख दिता जाता है, सिर झुक जाता है। मैं कि तेनों भुलेखा सी कागज दे पुजारी ने, असी प्रभु दे नाम दे पुजारी। 1430 सफे की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखा होवे, ते सोने की पालकी दे प्रकाश होवे, सही सिख विचारक सिख कतई मत्था नहीं टेक। वो ज्ञान का पुजारी है, परमात्मा के नाम का पुजारी है। वो अखरां दे बंद है, अखरी नाम अखरी साल। और वो चुप नहीं किया क्योंकि उसके अंदर ईरखा से, इनका हद हो गई। चार कागज उत्ते लिखे हुए अखर, इनू ही गुरु मनी जाना, सजदा करी जाना, कोई अकलमंदी की निशानी नहीं है। उस तो गल नंगी हो गई, बेकिस्मत मतांतर का पुजारी है। मैं कह इस संबंध च भी तो सुन लै, गुरुद्वारा सीसगंज साहब की गल है, 5-10 सज्जन जिहड़े बैठे सन, उन्हां च अजे भी वह सज्जन मौजूद ने। और उन्होंने बाद विच उन्हों लिखती रूप में कई अखबारों च भी दिता भी चार अखर जो कागज से लिखे ने, इनू पढ़ के सजदा करी जाना, उछली जाना। मैं फिर गल इस तरह है, चार अखर की गल सुन ले। किसी घर का एक नौजवान लड़का बाहर विदेशों च गया, 5-6 साल हो गए। मां उड़ीकदी पई है, प्यो उड़ीकदा पिया, भैन उड़ीकदी पई है। घर विच चिट्ठी आ गई है भई मैं 3 दिनों तो बाद आ रहा घर। टेलीग्राम आई है, पुराना जमाना, इतने टेलीफोन दे साधन नहीं। मैं उस तरीके नाल बयान करा, पढ़ के भैन ते नचण लग पई, पैना पाण लग पई। मां बाग बाग हो गई है, पिता दे पैर जमीन ते नहीं टिकदे, पुत्र इन्ने सालां बाद आ रहे है। मैं कहन ते चार अखर ते उन्हां नूं कहिए बड़े मूर्ख, भैन नूं कहिए बड़े मूर्ख, एवें पहला पांदी पई। चार अखर ते ने, भावें चार अखर ने, पर किसे दा संदेश है, किसे दा रूप प्रगट हो रहा है। एक दूजे घर दे भी टेलीग्राम गई, उन्हां दा लड़का भी 5-7 साल दा बाहर गया, ते टेलीग्राम आई भी उसका एक्सीडेंट हो गया और वह खत्म हो गया। उसकी बॉडी, उसकी लाश असी भेज रहे हैं, घर ते मरगड़ घाट बन गया। मां ते इंज समझदी जिवें मेरी अखां गई, पिता यह समझदा जिवें मेरी जान गई। भैन उदास होकर सिर ढा बैठी है, उन्हें इंज लग रहा जिवें मैं बेआसरा हो गई, रात बांह आ। घर मरगड़ घाट बन गया,
ते हुण उन्हां नूं कोई ए आखे ये चार अखर पकड़ पढ़ के तुसी घर नूं मरगट घाट बना ले मनुखी दुनिया की सारी हलचल लैण देण संजोग विजोग सब अखरां ते खड़ा है सारा पसारा अखरां ते खड़ा है अखर अंदर त्रिभुवन दा आ रहे पर उन्हें खुल के कह दिता गुरु ग्रंथ साहब आप नहीं बोलते ना अखरां नूं असीं बुलांदे आ ते व्याख्या भी असीं करदे आ गल स्पष्ट हो गई बहस इत्थे भी होई सी बरमंग मेरी भी 25 साल पहले वो कुरख्त भी हो गए सन गाली गलोच ते भी आ गए सन ये भी सारे नूं उत्थे पता है इन्होंने मेरे खिलाफ एक किताब भी लिखी बहुत वड्डी सारी दुनिया च वंडी है पता उस किताब का नाम है आप ही दसदे आ एक वड्डे ढोल का पोल खोल दिता सिंधियां दे च बहुत वंडी है क्योंकि सिंधी वीर मैनू बहुत बुलाने लग पए सन ते ओ भै च पै गए बई इत्थे ते असीं जांदे आ देहधारी गुरु नूं मंनदे ने ते ये शब्द गुरु नूं मनन लग पए उत्थे उन्होंने बहुत वंडी है सिंघां च भी वंडी बाहर विदेशां च भी बहुत मनीला में पहुंचे तो उठे कुछ संगता ने दी बी इतने जो दे के गए एक वड्डे ढोल का पोल खोल दिता गाला ही गाला कटिया ने और कुछ नहीं वह मैनू कह लगा गुरु ग्रंथ साहब आप नहीं बोलते असी अपनी आवाज न जोड़ते हैं व्याख्या भी असी करते हैं सुनाते भी असी हाँ तो फिर जे गुरु जान के पूजे जाते हैं तो थानू की इतराज है ये देख तुसी क्यों औखे होंदे हो तुसी थां थां ते क्यों डंडोरा पिटदे हो मैं कह मित्रा गल सुन ले इहदे उत्ते भी गल सुन ले ये जो कुछ मैं तुहानू कह रहा ये सारा छप चुकया है वाद विवाद का विशा इतना बनिया उन्होंने गाली गलोई की किताब छापी भाई बूटा सिंह प्रताप सिंह अमृतसर उन्होंने 5,000 के करीब दे आए भी थोड़े को जिहड़ा साजो समान ले लावे ये किताब मुफ्त दे जाना वो मैनू आप दसन गया नहीं जी असी कुदरती दे जा रहे सी एक दिन खोल के देख ली भी देखी की है ये थानू गाला कड़िया गई कहने फिर असी अगन वेट कर दी और कहने सानू अफसोस है जी 100-150 बंदियां नू दे बैठे मुफ्त दे च और घट तो घट उसने भी 25 लाख रुपया जरूर खर्च किया होना है 700-800 सफ़े की किताब लखां की तादाद फ्री बनी है मुख्तसर मैं अर्ज करा समाप्ति कर लगा असी बुलाते हैं गुरु ग्रंथ साहब नूं व्याख्या असी करते हैं मैं क्या गल सुनो एक अनपढ़ इस्त्री का पति किधरे परदेस गया है समा पा के उसने चिट्ठी लिखी है तो जो जिहां का रिश्ता होंदा संबंध होंदा उही जिक्र करना पैंदा भरा भरा नूं चिट्ठी के लिखे तो भरा करके संबोधन करेगा पुत्र पिता नूं चिट्ठी लिखे तो पिता करके संबोधन करेगा पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करेगा पति ने पत्नी नूं चिट्ठी लिखी पत्नी करके संबोधन किया पर वो बेचारी अनपढ़ पड़ोसी दे घर चली गई उहनूं कहिंदी है ऐ चिट्ठी पढ़ के सुना लगता है मेरे पति की आई वो पड़ोसी भी कहना हाँ तेरे पति की है हूँ उपरों शुरू करता है जिदे च उस पति ने अपनी पत्नी नूं पत्नी रूप में मुखातब किया है मेरी प्यारी पत्नी वो पढ़ता है ये हुंगारा भरी जाती है वो पढ़ी जाता है ये हुंगारा भरी जाती है ते पढ़ के सुनाने वाला सोचे मैं जो कुछ कही जाना है तो हंगारा भरी जाती है ते आपा क्यों ना दावा करिए तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति मैं किसी की चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला अगर पति होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई दुराचारी नहीं है गुरु नानक की बाणी पढ़ के सुनाने वाला गुरु होने का दावा करे उस तो वड्डा पखंडी नहीं है झूठा नहीं है पखंडी है बाणी किसे दी तू अपने नाल जोड़ी जाना है सब डिब्बी गुरुओं के पखंड गुरबाणी के आसरे से चल रहे हैं यह भी मैं अर्ज करते हैं शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बहुराना
सारा ज्ञान शब्दां दे च है। हुण कबीर नूं पुछो तुहाडा गुरु कौन है, भावें भगत माले तुसीं पढ़ लो ते उत्थे कुछ होर लिखे है, कबीर कोल खुद पुछो तुहाडा गुरु कौन है। कहो कबीर मैं सो गुरु पाया जांका नाम दे देखो, जिहदा नाम ज्ञान है विवेक है वह मेरा गुरु है और कोई मेरा गुरु नहीं। ज्ञान करके मेरे मन बदले है, ज्ञान करके भगवान प्रगट होया है। ये सारे का सारा ज्ञान इन्हां अखरां दे विच है। इन्हां नूं जपो, जबान जपे ते मन सुने, कंठ तो बिना जपनी औखी है। तो चलो एक अखर जपो, वाहिगुरु जपो, इस शब्द ने भी कपाट खोल देने ने, प्रकाश कर देना है। इस शब्द करके भी परमात्मा दे घर दे च जाना नसीब हो जाना है। तो जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे च गुरु है। एक सूफी संत इतना मुतासर होया जेबुल नसा दे कलाम तो, उन्हें औरंगजेब दे दरबार च अर्जी लिख दी, ये थोड़ी जिहड़ी बच्ची है ना, यह तो कोई वली लगती है, औलिया लगती, मैं ये दीदार करना चाहना। हूँ पढ़ते दामी 32-33 साल की बच्ची हो गई सी, जे गुरु नसाद औरंगजेब ने ता जिंदगी ब्याह नहीं किया, कुआरी रही सी, कि दमाद मेरे को तखत ना खोले, नहीं ब्याह किया। फिर आ मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नू जेल च पाया, बच्ची की शादी नहीं की थी। पर वो कवित्री बन गई जेबुल नसा, उन्हें देखिया प्यो ने मेरा घर नहीं वसाना, वो हिरदे दे घर दे खुदा नूं वधा बैठी, बंदगी बड़ी करन लग पई, अंदरों कविता दा जना। जद इस सूफी संत ने कहा मैं दीदार करना है, औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया। पर सूफी दी वड्याई बड़ी सी, इस्लामी जगत दे चूदा मान सन्मान बड़ा। उस वक्त उसने कहा अच्छा कल नवी मैं जेबुल नसा को पुछ लवा। बिगड़िया होया मिजाज जद जेबुल नसा दे महलां च गया, अपने प्यो का बिगड़िया मिजाज देख के कहती अब्बा हजूर खैर होवे सही, मिजाज तो ठीक ने, अगों अर्जी रख दी है पढ़ा, तेरी शायरी ने चन चढ़ाए ने, कविता लिखती रही शायरी करती रही। सूफी ने पढ़ी कि सुनी, कहता मैं दीदार करना है देखना है। उसनु जिहदे अंदरों ये नज़्मा निकलियां हस के कह लगी अब्बा हजूर मैं इसे अर्जी दे थले एक शेर लिखनी हाँ, वो अपनी अर्जी वापस ले लेगा, अपने बोल भी वापस ले लेगा। पता है औरंगजेब की कहता मामूली इंसान नहीं, फकीर है और बड़ा आलम फाजल है, सारा दिल्ली उसनु सजदा करता है। जेबुल नसा कहती अख दे जब रड़क पै जाए अख नू नहीं दिखाई देती, दूजा देखता है। कुछ कमजोरियां ऐसिया होंदिया ने खुद नू नहीं दिखाई देंदिया, दूजा देखता है। ये लै जाओ उन्हों अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा। वो शेर है दर सुखन पिनहा सुदम दर बरगे गुलमा नंदे बो हर चे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। जिमें महक करके पता चल जाता है ये गुलाब दी है, ये गेंदे दी है, ये चमेली दी है। मुख्तसर मैं इस करता पिया, महक दे चो खुशबू दे चो फुल दे दर्शन हो जाते हैं, भावें फुल ते नहीं अतर ते सेंट है, फुल ते सामने कोई नहीं, पर खुशबू ने दीदार करा देते गुलाब दे चमेली दे गेंदे दे। जेबुल नसा कह रही जिन्हों खुशबू दे फुल दे दर्शन ना होन उन्हों फुल दे दर्शन करन दा कोई हक नहीं, जिन्हों शायरी दे चों शायर नहीं दिखाई देता वह की हडमास नाड़ी का पिंजरा के देखेगा। यकीन जानो जिन्हों शब्द दे चों गुरु नानक दे दर्शन नहीं होए देही दे चकी देखेगा। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग भौराना, ये सब्जेक्ट ये मजमून अपने आप इतना लंबा है, मैं एन समय सिर भोग पा लेना सी। थोड़े 71 साहब ने कहा खुला समा लाभ रोज़ तुम 40-50 मिनट कह के बच जाते होंगे, मैं फिर अच्छ खुला लग्या रहा। महापुरख आए ने, महापुरश बड़े विद्वान सुलझे ने सैने ने, इन्होंने विचारा थोड़ी सेवा करनी है।
ते मैं अपने वक्तव्य नूं इत्थे समाप्त करना। सानू जुगो जुग अटल गुरु शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौराना, ओ बोल जो सीधे खसम तो आए ने गुरु नानक दे राही सानू प्राप्त होए ने। इन्हां अखरां दे अंदर अखर अंदर त्रिवण अदारे तीन लोकां दा ज्ञान इन्हां अखरां दे च है, इन्हां शब्दां दे च है। पोथी परमेश्वर का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब नूं कीता होया सजदा परमात्मा नूं सजदा है। अगर सत्कार नाल श्रद्धा नाल भावना नाल तुसी मत्था टेको, मत्था टेकण ने भी मन नूं बदल के रख देना है, बड़ा कुछ प्राप्त हो जाना है, बड़ा कुछ आनंद मिलना है। तो सतगुरु रहमत करन जो कुछ आपने सरों ने कीता है सुन के थोड़े हिरदे च वसे, दास दे हिरदे च वसे, बड़े टिकाओ नाल आपने सरों ने कीता है, महापुरशां ने भी सरों ने कीता है, सारे गुरमुख प्यारे महापुरशां दा विलास हार्दिक तौर ते धन्यवाद करदा है। भुल चुक दी क्षमा दास दी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।